दतिया के स्थानीय गायत्री गार्डन में भारतीय कलाकार संघ 10 जनवरी से 12 जनवरी तक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करेगा, जिसमें उच्च कोटि के कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। साथ ही कार्यक्रम के आयोजकों ने बताया कि इस 3 दिवसीय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गौरवशाली परंपरा को कायम रखना है। दतिया कला महोत्सव के नाम से ये कार्यक्रम होता है, हर साल यहाँ लगता है। यहाँ पूरे भारत से बड़े बड़े जो कलाकार, कई विधाओं के कलाकार हैं, वो आते हैं, 3 दिन रुकते हैं, अपनी अपनी कलाएं दिखाते हैं। अधिकतर इसमें चित्रकला प्रदर्शनी का कार्यक्रम होता है ये, और इसमें लोग बाग जैसे कई दूर दूर से हरियाणा से ऐसे कलाकार आ रहे हैं जो वेस्ट मटेरियल होता है, वेस्ट मटेरियल जो फेंक देते हैं तार वायर, उससे सीनरी बनाते हैं और उसको एक शक्ल देते हैं। और ये हम दतिया में हर साल हम कार्यक्रम लगाते हैं कि जो कला जो लुप्त होती जा रही है, भारत एक संस्कृतिवान देश माना जाता है, और इसमें कलाकार अपनी कलाकारी छोड़ते जा रहे हैं, जिससे संस्कृति एक लुप्त होने के कगार पे एक कला संस्कृति है। हम इसको उजागर करने के लिए प्रयास कर रहे हैं और हमारा प्रयास जारी, सफलतम कार्यक्रम पिछली बार भी लगाया था। देश में तमाम ऐसी प्रतिभाएं हैं जो अपनी कला का प्रदर्शन किए बिना ही विलुप्त हो जाती हैं, लेकिन इस ओर कोई ठोस कदम सरकार के द्वारा नहीं उठाए जा रहे हैं। दतिया से प्रशांत श्रीवास्तव की रिपोर्ट, बुंदेलखंड टुडे, झांसी।